चंद्रयान 3 प्रमुख टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन गंजवासोदा पहुंचे। सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन ने कहा, गगन यान पर हो रहा है तेजी से काम, जिसमें मानव को अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा चंद्रमा पर। वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 के टीम के स्पेस विभाग में डायरेक्टर डॉक्टर प्रफुल्ल जैन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद गंजवासोदा पहुंचे। डॉक्टर प्रफुल्ल जैन गंजवासोदा के निवासी हैं। नगर के शासकीय विद्यालय में स्कूली शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में इसरो के अहमदाबाद इसरो इन डिवीजन में निदेशक के पद पर सेवारत हैं। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल जैन का भव्य स्वागत नगर के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं ने स्मृति चिन्ह और फूल माला पहनाकर किया। स्वागत कार्यक्रम स्थानीय महावीर विहार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर प्रफुल्ल जैन ने इसरो और चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया कि इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसरो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो कई और मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें शुक्रयान जैसे मिशन भी शामिल हैं। काम करने की सोच रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो काम चल रहा है वो गगनयान है, जो हमने पहले बताया कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, उस पर काफ़ी काम चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे और एप्लीकेशन होते हैं, नेविगेशन, हम लोगों का खुद का नेविगेशन कंस्टलेशन है, जैसे GPS है, ऐसे ही इसरो का खुद का नेविगेशन कंस्टलेशन, इसका नाम नाविक है, उस पर भी हम लोग जो है इसको कंस्टलेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसका यदि हम दायरा बढ़ा सकें तो वो बढ़ाने की उसकी कोशिश की जाएगी। गंजवासोदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।